आप लगातार देख रहे हैं एक ऐसी कहानी जो अपने आप में दिल दहला देने वाली है। एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और उसके बाद पूरा परिवार बिखर गया। ये एक ऐसी अभागा पत्नी कह लीजिए, माँ कह लीजिए, गार्जियन कह लीजिए, अब इस दुनिया में अकेली है। इन्हें हार्ट की समस्या है, हृदय की बीमारी है, इनका मेरे हाथ में फाइल पड़ी हुई है। अब इनके घर में कोई नहीं है इनका इलाज करवाने के लिए। जो पति थे इनका इस दुनिया से चले गए, अब इनका इलाज कैसे हो, इसी मद्देनजर दो शख्स को देख सकते हैं आप। ये मार्गदर्शन हेल्थ केयर से आए हैं। सर आप यहाँ किस लिए आए? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। सबसे पहली बात तो न्यूज के माध्यम से जो न्यूज मुझे समझ में आया, गले उतर नहीं रही थी, ठीक है, तो ये बात। दूसरी बात ये जानकारी हुई कि इनकी माँ जो है हार्ट से पीड़ित है, तो ये सच्चाई जानने की भी एक इच्छा थी कि जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। और एक मुझे ये भी संज्ञान में था कि नौकरी में थे, रिटायरमेंट किए हुए थे। एक मैं कैलकुलेशन किया कि जैसे हमारे पापा करीब 80-85 साल के हैं, तो उसी एज में होंगे, इस एज में जिस तरह का न्यूज़ सुनने को मिल रहा था, गले उतर नहीं रही थी। इस सच्चाई को जानने के लिए मैं आया। और साथ में ये भी आया कि इनकी हार्ट का प्रॉब्लम है, तो हम लोग हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो इनमें हम कुछ अपना सहयोग करना चाहते हैं कि अभी इनको इलाज का भी परेशानी, बहुत सारी परेशानी आ रही है, लेकिन जो हम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो करना चाहते हैं। क्या क्या करना चाहते हैं अभी इनके लिए, आप क्या सहयोग करेंगे आप? जी, सहयोग का ये है कि जैसे हम लोग को जानकारी हुआ, कल ये सब खबरें जब हमने पढ़ी थी, तो हम लोग यहाँ तक खुद चल के आए हैं, और खास करके माता जी का जो रिपोर्ट हमने देखा या जो हमें यहाँ से सुनने को मिला, तो इनका हार्ट से रिलेटेड जो भी अब प्रॉब्लम है, अभी तो इन लोग का अभी चलिए मतलब कि चल रहा है जो क्रियाक्रम के बाद में जब ये फ्री होते हैं, इनका हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम अभी ट्रीटमेंट होना है वो सारा जिम्मेवारी मार्गदर्शन हेल्थ केयर ले रही है। इनको इलाज के लिए नहीं सोचना है जी। दूसरा एक मैसेज और हम देना चाहेंगे कि जो किसी के बारे में जो यूट्यूबर मीडिया हैं, चाहे जो भी गलत खबर अगर चला रहे हैं, तो उनसे एक विनती है हमारा कि किसी के बारे में किसी को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को किसी का गलत खबर चलाने की ज़रूरत नहीं है। और उन लोग के लिए भी हम कुछ जैसे मार्गदर्शन हेल्थ केयर अगर इनके लिए स्पेशल आई है यहाँ तक, अच्छा, तो बाकी हम सभी लोगों के लिए बोलते हैं कि जैसे कहीं भी किसी तरह का कोई ऑपरेशन, कोई इलाज होना हो, तो मार्गदर्शन हेल्थ केयर आपको अप टू 50% डिस्काउंट तो करवाती है, देश के कोई कोना में इलाज करवाती है। इस माँ के लिए क्या कीजिएगा ये बताइए? इस माँ के लिए यही है कि पूरा जो भी इनका हार्ट से रिलेटेड अभी खर्च आएगा, इनका तो पहले हम लोग इलाज करवाएंगे जी हाँ। यहाँ से जब भी ये फ्री होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इलाज कराएंगे, एक रुपए इनको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मुझे संज्ञान में है कि अब कौन करेगा, करने वाला कोई नहीं है। इनका जो पति तो चले गए धर्म लोग, बेटा नालायक निकला, एक बेटा है तो इतनी आमदनी नहीं है कि इतने बड़ी टीम को चला सके, ठीक है? तो जो मार्गदर्शन से हो सकता है वो पूरी करिए। इनका इलाज जो है हार्ट का, वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। इनके इलाज के लिए स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बाकी अगर कोई भी मरीज आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो उनके लिए तो हम लोग ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे हैं कि अप टू 50% डिस्काउंट करवाते हैं और एक ब्रांड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिलवाते हैं। क्या कहिएगा चाची, क्या कहना चाहते? दो मसीहा आपके दरवाजे पर आए हैं, इस धरती के भगवान आपके द्वार पर पहुँचे हैं, इस तरह के लोग आपके पास पहुँचे हैं, ये पहली बार आए हैं ये लोग। ये इनके भाई हैं, चूँकि ये इतने बोल नहीं सकती हैं, इन्हीं के भाई जानेंगे। इस तरह से जो घटना घटी है आपके घर में, ये बहुत ही मर्माहत करने वाली है, लेकिन इस बीच दो मसीहा आपके घर पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप इस घटना को सुन करके यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जैसे लोग अगर समाज में इस कल्याणकारी कदम उठा रहे हैं, तो ये बहुत शुभ संदेश है। ऐसे जो लाचार लोग हैं, उनको मदद देने के लिए मैं बहुत सराहनीय कदम है। मैं इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जो मुहिम है इनका, सिर्फ यहीं पर रुकेगी कि आगे भी बढ़ेगी? नहीं, ये जो मीडिया को लेकर जो बात चल रही है कि YouTube को जैसे गलत अफवाह फैला रहे हैं लोग, तो इसके बारे में तो हम पहले भी बोले कि जो भी न्यूज है सही चलाना चाहिए और मतलब जो सच्चाई है वो दिखाना नहीं चाहिए। नहीं सर, मैं आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इलाज करवाते हैं लोगों को, गांव-गांव जाते हैं, शहर शहर जाते हैं, देश दुनिया हर जगह जाते हैं आप,
जिस तरह की घटना घटी अपने आप में मर्माहत घटना है। और जब यहाँ पर आए तो पता चला ये हार्ट पेशेंट है, इनको इलाज के लिए कोई सामने नहीं आया, वहाँ पर आप दोनों ने इंटरेस्ट लिया और इलाज करवाना चाह रहे हैं। जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या शिव सेवा इनके लिए है या फिर उनके लिए भी देंगे आप? ये सेवा पहले से भी चल रही है, ठीक है ना, और नियंत्रण आगे चलते रहेंगे। 2016 से इस तरह की माएँ और भी इस तरह की कई भी घटनाएं घटती है और उससे हमारी जरूरत महसूस होती है तो हम लोग जाकर वहाँ पर ये सेवा हम देंगे। देंगे आप? बिल्कुल। अब बिहार में आपका मुहिम चलेगा? ये सब बिहार नहीं, पूरे देश में चलेगा। जो आपसे संपर्क करेंगे उनका इलाज करवाएंगे, ये हमारा फर्ज बनता है और सामाजिक दायित्व भी बनता है। इस खबर को दिखाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यह है कि देख लीजिए कि किस तरह से घटना होती है और पूरा परिवार बिखर जाता है। और इस समस्या को समझिए, समस्या अगर जड़ से हल कर दी जाए तो समाज में समस्या ही नहीं रहेगी। इनकी समस्या जो इनसे जो हल हो सकता है वो है स्वास्थ्य। इन्हें ये स्वस्थ करेंगे, इनके माध्यम से स्वस्थ होंगे, क्योंकि इनके इलाज में लाखों रुपया खर्च आएंगे। ये गरीब जुटा नहीं पाएंगे लाखों रुपया, ये है मदद। और हम चाहते हैं और भी लोगों से, जो भी इस वृद्ध महिला को मदद करना चाहते हैं, वृद्ध माँ को मदद करना चाहते हैं, वो भी सामने आइए। मोतिहारी के ध्रुव पकड़ी गांव में ये महिला मिलेगी, इन्हें मदद कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।